दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ सैमसंग डेक्स के बारे में। अब ये चलता है विंडोज लैपटॉप के साथ और मैक ओएस के साथ भी चलेगा। अब ऐसा नहीं है सैमसंग की सर्विस है तो सिर्फ विंडोज के साथ चलेगी, एप्पल कंप्यूटर्स पर भी ये काम करेगा। और इस वीडियो में मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के साथ। अब बात करते हैं ये बेसिकली है क्या। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है या एक सर्विस है सैमसंग की तरफ से, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर की तरह बना सकते हैं किसी भी कंप्यूटर या एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके। अब कहने का मतलब ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन है वो सभी चीज़ें जो है कंप्यूटर के इंटरफेस से चलेगी, जिससे आपके जो प्रोफेशनल वर्क है वो ज़रा आसान हो जाता है। आप इसे किसी भी टीवी या मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। वायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन दोनों ही कनेक्शन यहाँ पर काम करेंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये हर एक टीवी या मॉनिटर के साथ चलेगा, ऑब्वियसली आपको कंपैटिबल वो जो भी डिवाइस है आपका वो चाहिए होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपके पास कंपैटिबल टीवी या मॉनिटर नहीं है तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी भी कंप्यूटर पर मैक हो या विंडोज़ हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा जो कहने का मतलब है कि ये कैसे काम करने वाला है कंप्यूटर की तरह वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं वायर्ड कनेक्शन के साथ इसे कर रहा हूँ ताकि हमें बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। तो हमारे फ़ोन को जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा हमें हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर या मॉनिटर पर। तो आप देख सकते हैं ये जो इंटरफेस है लैपटॉप की तरह दिख रहा है, और ये जितने भी एप्लीकेशन है सब मेरे फ़ोन के एप्लीकेशन है, और ये सब कुछ सिस्टम जो है मेरे फ़ोन, ये सारी चीज़ें फ़ोन की है। ये मेरा फ़ोन है जो इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आप जाहिर है समझ सकते हैं कि यहाँ पर विंडोज़ जो है खुल रही है, अलग अलग जो पैनल्स आ रहे हैं, एप्लीकेशन आ रही हैं, ये एक विंडोज़ कंप्यूटर किसी आम कंप्यूटर की तरह खुल रही है, जहाँ पर आपको मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या फिर क्लोज करने के ऑप्शन भी मिल रहे हैं। ना सिर्फ ये कि आप इस तरीके की चीज़ें कर पाए, आप मल्टीपल ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी अपने नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरह आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। और जितने भी यूज़फुल एप्लीकेशन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन हो गए, वर्ड, एक्सेल वगैरह, ये सब आप यूज़ कर पाएंगे। साथ ही आपके नॉर्मल एप्लीकेशन पीडीएफ वगैरह चेक करने के लिए वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, और ढेर सारे जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग टैब्स आप खोल सकते हैं, और उसमें साइमल्टेनियसली आप कॉपी पेस्ट भी चीज़ों को कर पाएंगे। तो इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप इसे आपको कोई कंप्यूटर स्क्रीन की ही, मतलब कंप्यूटर के ट्रैकपैड की ज़रूरत होगी, आप आपके फ़ोन को भी उसकी स्क्रीन को ट्रैकपैड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप आपके फ़ोन में ही कीबोर्ड ला सकते हैं। अगर आप किसी मॉनिटर पर इसे यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको माउस वगैरह लेने का भी अलग से खर्चा नहीं करना। आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक मुझे गूगल अगर चलाना है, यूट्यूब चलाना है तो वो भी यहाँ पर चलेगा, और इंटरफेस जो है वही आपके कंप्यूटर की तरह होगा। ये मैंने मेन एप्लीकेशन खोला है तो ये खुलेगा जैसे मोबाइल पर चलता है, वो यूट्यूब का इंटरफेस है, या हमें सिर्फ मोबाइल्स या टैबलेट्स पर देखने को मिलता है। अगर ब्राउज़र पर आप खोलेंगे और डेस्कटॉप वर्जन आप चलाएंगे तो जाहिर है अलग से आपको वैसा ही दिखेगा। अच्छा, सैमसंग डेस्क की ना आप अलग से भी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर जो चेंजेस करेंगे वो आपके फ़ोन में भी हो जाएंगे। फ़ोन की सेटिंग्स जो है वो इंडिविजुअली इंटैक्ट रहने वाली है। यहाँ पर सिर्फ आपके डेस्क इंटरफेस जो आपने तैयार करा है वो सेटिंग चेंज होगी, यानी जब भी आप बार बार अगर इसे डिसकनेक्ट कनेक्ट करेंगे तो जब भी आप अपने इस वाले इंटरफेस में आएंगे, इसकी जो सेटिंग आपने सेव करी थी वो वैसे ही रहने वाली है और आपके फ़ोन की अलग रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से अपना वॉलपेपर चेंज कर देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब वॉलपेपर जो है मेरे फ़ोन में चेंज हो जाएगा, यानी ये ज़्यादातर सेटिंग्स जो है फ़ोन की सेटिंग्स नहीं है। हाँ, आप आपके फ़ोन की सेटिंग्स को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सैमसंग डेक्स की सेटिंग कंट्रोल करने का एक अलग से ऑप्शन दिया है, और अगर आप वहाँ पर चेंजेस करते हैं तो आप सिर्फ इसी इंटरफेस में चेंज करते हैं, तो ये एक इंडिविजुअलिटी क्रिएट कर देता है, जिससे आपका जो भी इंटरफेस होने वाला है या एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफ़ी यूनिक होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। आप सेटिंग्स पे जाके बाकी चीज़ें भी चेंज वगैरह कर सकते हैं, वो मैं आपको सब बता ही चुका हूँ। साथ ही आप यहाँ पर वीडियोस, फोटोज़ जो भी आपकी सेव्ड है कंप्यूटर में, आपको पूरी गैलरी मिलती है, और जितने मोबाइल में सेव है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं और आप उन्हें देख सकते हैं बड़े ही आराम से। इस तरह से नेविगेट करना काफ़ी आसान है जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर। सैमसंग नोट्स का जो हमें एप्लीकेशन मिलता है वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। टाइप अगर आपको नहीं करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, मैं ड्राइंग की बात करूं तो आपके पास अगर किसी कोई टैबलेट से सपोज आपने कनेक्ट कराया, लाइक हमें टैब S7 में भी सैमसंग डेक्स का ऑप्शन मिलता है, तो आप डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, अपने लिख सकते हैं एस पेन के थ्रू। और ना सिर्फ ये, मैं जिस भी एप्लीकेशन, मतलब फ़ोन पे ये टेस्ट कर रहा हूँ, यानी S21 अल्ट्रा, या फिर अगर आप नोट सीरीज़ के फ़ोन पर भी ये टेस्ट करते हैं तो एस पेन आपको मिलता है, और S21 अल्ट्रा के भी फुल रिव्यू मैं बता चुका हूँ कि कोई भी एस पेन आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आप नोट्स यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। काफ़ी कमाल का फीचर हो जाता है।
कुछ इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। और ये तो मैं सिर्फ सैमसंग के अपने नोट वाले ऐप की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा बहुत सारे जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ना आपके हिसाब से वो सभी यूज़ कर पाएंगे और आपको सारे ही फीचर्स मिलने वाले हैं। साथ ही आप डायरेक्टली इसे PDF बना सकते हैं या फिर एक्सेल फाइल बना सकते हैं, वर्ड फाइल बना सकते हैं, पावर पॉइंट में बना सकते हैं, तो अलग अलग आप एक्सटेंशन के साथ इस फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। कंप्लीट प्ले स्टोर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी पूरा का पूरा आपको प्ले स्टोर मिल रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि आप कोई सा भी एप्लीकेशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो आप आपके फ़ोन में चलाते हैं। और ना सिर्फ ये, इसका सीधा मतलब ये भी निकलता है कि आप इस पर गेमिंग भी कर पाएंगे। तो मैं जो हूँ यहाँ पर आपको गेमिंग का टेस्ट भी देने वाला हूँ इसी वीडियो में, और आपको गेम खेल के भी दिखाऊंगा, परफॉर्मेंस के बारे में बताता हूँ। अब जैसे ही आप गेम को खोलेंगे ना, आपको कंट्रोल्स जो है ऑटोमेटिकली चेंज हुए हुए नज़र आ जाएंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि ज़्यादातर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी ऑलरेडी यहाँ पर जो है तैयार हो रखी है इस चीज़ के लिए, वो ऑप्टिमाइज है सैमसंग डेक्स सपोर्ट के लिए, तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अच्छा, ये फुल स्क्रीन पर नहीं चल रहा है तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, चल रहा था ये अब मेरे कंप्यूटर के इतने से पार्ट पर, तो मैंने इसको ज़रा जूम करके आपको दिखाया है। और आप देखिए, ये छोटा नहीं चल रहा है, ये बड़ा भी हो जाएगा, मगर क्यों नहीं करा है वो आपको बताऊंगा। फिलहाल गेम प्ले आप देख सकते हैं, फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं, लैग देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम फ्लॉलेस ये काम कर रहा है, तो लैग भी देखने को मिला है, फ्रेम ड्रॉप्स भी देखने को मिले हैं, और थोड़ी सी क्वालिटी मुझे कम लगी है फ़ोन के मुताबिक। और ये तो वायर्ड कनेक्शन पे, हो सकता है वायरलेस में थोड़ा और ख़राब हो जाए, लेकिन अगर ये देखा जाए कि बहुत ही यूनिक सी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी कमाल की चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, कुछ ही साल हुए हैं इसको टेक्नोलॉजी को आए हुए, आगे चल के ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है इस चीज़ में, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे नहीं है कि अगर आप अपने गेम वगैरह खेल रहे हैं आपके फ़ोन पे फ़ोन कॉल आ गया तो आप उसे रिसीव नहीं कर सकते, आप आपके फ़ोन को इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं, वो अलग से काम करेगा, तो ये अलग चल रहा है वो अलग चल रहा है, दोनों में अलग अलग आप काम कर सकते हैं, तो अच्छी बात हो जाती है। साइड में आपको डेस्क लॉक का ऑप्शन मिल जाता है या फिर एंड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, डेस्क लैब में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है ऑप्शन रीसाइज करने का, यानी आप फुल स्क्रीन पर भी ला सकते हैं, लेकिन उससे ना थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, तो वो थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैंने ये नहीं करा, ताकि मैं आपको ओरिजिनल चीज़ बताऊँ। अगर यहाँ पर लैग हुए तो आप समझ जाइए कि जब आप फुल स्क्रीन में गेम खेलेंगे तो लैग देखने को मिलेगा। मैं जिस फ़ोन पर टेस्ट कर रहा हूँ वो सैमसंग का काफ़ी पावरफुल फ़ोन है, लेटेस्ट फ्लैगशिप है, 12 GB रैम के साथ आता है, उसमें मुझे यह इशू देखने को मिला है, तो डेफिनेटली आगे भी ये देखने को मिल सकता है अगर आप किसी और पुराने फ़ोन पर इसे यूज़ करते हैं। अदरवाइज आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपको जितने भी वॉल्यूम कंट्रोल्स है, नोटिफिकेशन पैनल है, कोई टॉगल्स है, वो सारी चीज़ें आप कंप्यूटर वाले इंटरफेस में कर पाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। तो सैमसंग डेक्स ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आया। अच्छा, मैं सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा और iPhone 12 Pro Max का इन डेप्थ कंपैरिजन बना चुका हूँ, और लगभग 20-22 मिनट की वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर मैंने iPhone 12 Pro Max के कैमरा में एक बहुत बड़ी दिक्कत बताई है, तो उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए और जानना चाहिए कि वो दिक्कत क्या है और कैसा है इन दोनों ही फ़ोन का परफॉर्मेंस। साथ ही जानिए कि मैंने इस वॉच को, सैमसंग की फ्लैगशिप वॉच को, 990 रुपये में कैसे लिया है, और इस वॉच का फुल रिव्यू भी आप देख सकते हैं। यह सैमसंग गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2, तो ये इसका रिव्यू भी आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो सैमसंग डेक्स में बस इतना ही है, अगर आपको इसे डाउनलोड करना है जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर, सैमसंग की सैमसंग डेक्स लिखिए, मैक के लिए डाउनलोड करना है या विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है, वहाँ से हो जाएगा। ऑफिशियल साइट पर आपको काफ़ी सारी चीज़ समझाई गई है, मैंने सारी चीज़ें बता दी है और उसका आपको रिव्यू भी दे दिया है, और कुछ स्पेशली ऑप्टिमाइज्ड जो एप्लीकेशन है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, एक बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर, एक सैमसंग डेक्स का ना अलग से एक वायरलेस चार्जर जैसा कुछ मिलता है आपको प्रोडक्ट, जिससे आप कनेक्ट करके कर सकते हैं, उस पर आपको खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि हमें वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन मिल रहा है तो हम अलग से 5-6 हज़ार की चीज़ वो क्यों ले, और परफॉर्मेंस भी हमें अच्छी खासी मिल जाती है, बस गेमिंग में ही तो लैग हुआ है। तो रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, मुझ पर रिक्वेस्ट आई थी इसलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना दी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करेगा लाइक, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मेरा नाम है सूर्यांश वस, मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बोलते रहिए भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।